हेलो एवरीवन, अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है। मैं अपने घर के टेरेस से वीडियो बना रहा हूँ। इस लॉकडाउन के टाइम में किसी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही रिलेवेंट है। बहुत सारे लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब जानने में इंटरेस्ट होगा। क्वेश्चन है कि मेडिटेशन करने के बाद गुस्सा बहुत आता है, नेगेटिव फीलिंग, गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? इन स्पाइट ऑफ फीलिंग पॉजिटिव गुस्सा क्यों आने लगता है? तो मैटर बहुत ही सिंपल है, इसे एकदम सिंपलिसिटी में समझते हैं। मेडिटेशन एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है? मेडिटेशन हमारे मन को शांत करना, अंदर से शांति लाना। हम जब अंदर से शांत होंगे तो ही वो शांति बाहर रिफ्लेक्ट करेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है मेडिटेशन में? अंदरूनी शांति, अंदर की शांति, राइट? अब ये अंदर की शांति कभी पॉसिबल है? जब अंदर के सारे भी इम्बैलेंस इमोशन है, डिस्टर्बेंस जो आपको खाए जा रहे हैं, वो सब जब सेटल हो जाए, वो जब सब शांत हो जाए, तब आपको अंदर की शांति महसूस हो सकती है। अब ये अंदर की शांति, अब जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो जो हमारे पुराने अनएक्सप्रेस्ड इमोशन है, अनएक्सप्रेस्ड गुस्सा है, जो सालों से हमारे अंदर दबा पड़ा है, वो बाहर आता है। इसे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा घर है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और अभी आपने बहुत सालों के बाद उस घर की साफ़ सफाई का काम शुरू किया है। एक के बाद एक कमरा आप साफ़ करना स्टार्ट कर रहे हो। आपके घर का एक कमरा ऐसा है जिसको आपने सालों से बिल्कुल खोला ही नहीं है। उसके अंदर भर भर के जो भी आपको मन हुआ वो कचरा वहाँ पर आप डालते गए, लेकिन कभी भी खोल के उसको साफ़ करने के बारे में नहीं सोचा है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? जब भी आप उस कमरे को फिर से ओपन करोगे तो सबसे ज़्यादा बदबू उसी कमरे से आएगी। उसमें से भर भर के जो भी है सारी नेगेटिव एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी, राइट? तो यही है, जब भी हम मेडिटेशन करते हैं हम अपने आप को अंदर से क्लीन करते हैं, हम अपने आप को अंदर से पॉजिटिव करते हैं। तो जब हम अपने आप को अंदर से पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इट इज़ मस्ट कि हमारे मन के सारे रूम क्लीन होने चाहिए। अब जिस रूम में हमने सालों से कचरा डाला है और उसको कभी भी साफ नहीं किया है, तो इट इज़ ऑब्वियस कि जब वो हम रूम खोलेंगे तो डेफिनेटली उसमें से ज़्यादा बदबू आएगी, ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड होगी। लेकिन इसे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप मेडिटेशन जैसे करते हैं वैसे करते रहिए, धीरे धीरे ये गुस्सा कम होता जाएगा, आपके अंदर का रेज कम होगा और आप एक अंदरूनी पीस महसूस करेंगे। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया हो। और भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे बिल्कुल पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख के या तो ग्रुप में देंगे। थैंक यू।